नमस्कार, 3 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। फाइटर विमान तेजस में प्रधानमंत्री मोदी ने आज उड़ान भरी और इसी उड़ान का वीडियो भी अब सामने आया है। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ाया तेजस विमान। प्रधानमंत्री ने तेजस में उड़ान की तस्वीरें पहले शेयर की, उसके बाद अब ये वीडियो भी सामने आ चुका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर की थी। ये देखिए वीडियो किस तरह से तेजस में बैठते हुए प्रधानमंत्री मोदी का सामने आया है। प्रधानमंत्री ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट में लिखा, एक्स में लिखा, तेजस में उड़ान अविश्वसनीय रही। आत्मनिर्भरता में हम दुनिया में किसी से पीछे नहीं है, किसी से कम नहीं है, ये कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो आ चुका है, तेजस फाइटर विमान में चढ़ते हुए पहले, उसके बाद विमान ने टेक ऑफ किया। प्रधानमंत्री ने थम्स अप का साइन भी दिखाया और ये बताया कि मैं तैयार हूँ, और उसके बाद ये उड़ान भरी। आगे आप पायलट को देख सकते हैं, लड़ाकू विमान के पायलट भी, उन्हें खास ट्रेनिंग मिलती है। और ये देखिए ये उड़ान बहुत ऊँची है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने जो उड़ान भरी तेजस में, उसके बाद उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, ये वीडियो सामने आया है। बादलों के बीच में ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, इसमें हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थम्स अप का भी साइन लगातार दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है। तो ये बताती है कि ये आत्मनिर्भरता की तरफ भारत के बढ़ते कदम हैं। इसी वीडियो को और ज्यादा एलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ डिफेंस एडिटर सुमित चौधरी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे और तफसील से जानकारी लेते हैं कि देखिए सुमित, ये तस्वीरें वाकई बहुत आकर्षण का केंद्र हैं। हम देख सकते हैं जो तस्वीरें प्रधानमंत्री के बैठते हुए फिर टेक ऑफ करते हुए, बहुत खास इसके लिए ट्रेनिंग और विजिलेंस चाहिए होता है। देखिए आप इस पूरे प्रोटोकॉल को समझिए निधि, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइटर एयरक्राफ्ट चलाना या उसमें बैठना बहुत मुश्किल होता है। आम लोगों के लिए तस्वीर बहुत रोमांचक होगी कि देखिए किस तरीके से फाइटर एयरक्राफ्ट में उड़ान भर रहे हैं, लेकिन इसका पूरा प्रोटोकॉल होता है। मेडिकल से लेकर आपके सारे पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं, आपका मेंटल लेवल देखा जाता है, फिर ये देखा जाता है कि आप उड़ान भरने से पहले एक ब्रीफिंग दी जाती है जिसमें आपको उड़ान किस तरीके की होगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, आपकी सॉटी कितनी बड़ी होगी, आप कहाँ पर लैंड करेंगे, किस एरिया के अंदर घूमेंगे और किस हाइट पर जाएंगे। देखिए ये हाइट करीबन इतनी, फाइटर एयरक्राफ्ट की जो हाइट होती है जब उड़ान भरता है तो नॉर्मली बहुत ऊपर होते हैं, तो ऐसे एयरक्राफ्ट के अंदर ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए, आपको लगातार कुछ ऐसा आपके, क्योंकि कई बार आप मेंटली उस चीज को, प्रेशर को झेल नहीं पाते, तो सारी कंडीशंस देखी जाती है। और अगर आप देखें 45 मिनट के लगभग की ये सॉटी थी प्रधानमंत्री मोदी इस तेजस एयरक्राफ्ट के अंदर। ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जिसमें बैठे थे, जिसमें उनके साथ उनके पायलट थे और वो को पायलट के तौर पर बैठे थे पीछे। और अगर आप देखें सॉटी से पहले और सॉटी के बाद लगातार ये तस्वीरें उन्होंने देखी, एयरफोर्स चीफ खुद मौजूद थे, एयरफोर्स चीफ के साथ कई पायलट वहां पर मौजूद थे। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है निधि, क्योंकि भारत का ये पहला फाइटर एयरक्राफ्ट है जो भारत ने पूरी तरीके से भारत में ही बनाया, स्वदेशी है। और देखिए पायलट से मिलते हुए उसके बाद और उसके उससे पहले एयरफोर्स चीफ उनके साथ मौजूद थे। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है निधि, क्योंकि आप मानिए कि भारत अब एक बाइंग नेशन की जगह एक बिल्डिंग नेशन है, यानी खुद के सामान बेच रहा है, और उसी के लिए ये तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और इसी तैयारी को अब हम ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि भारत कैसे एक बिल्डिंग नेशन बनता जा रहा है तेजस के जरिए। तेजस में प्रधानमंत्री, तेजस में उड़ान के लिए पायलट प्रधानमंत्री की तैयारी, किस तरह से उड़ान की जानकारी उन्हें पहले दी गई, उड़ान रूट के बारे में पूरी जानकारी बताई गई प्रधानमंत्री मोदी को। जानकारी के बाद जो क्लियरेंस है वो मिला कि ताकि रूट क्लियर है, फॉर्म 700 पर दस्तखत भी किया जाता है उड़ान से पहले। उड़ान से पहले मेडिकल ज़रूरी होता है, जैसा कि सुमित बता रहे थे, सेहत की पूरी जांच की जाती है जो भी तेजस विमान में बैठ रहा है, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है। तैयारी पर सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना होता है। रनवे पर टेक्निकल स्टाफ से मुलाकात भी की जाती है, जो तस्वीरें आई। उड़ान से पहले एयरक्राफ्ट की पूरी जांच होती है, पायलट को पायलट हैंडशेक करते हैं, ये तस्वीरें बहुत खास होती हैं। सीट पर बैठने के बाद उड़ान शुरू होती है, उड़ान के बाद फिर टेक्निकल स्टाफ से मुलाकात होती है। तो देखिए पूरा जो प्रोसीजर है, ये जो पूरा प्रक्रिया है वो बहुत खास है। अब आइए 8 तस्वीरें आपको समझाते हैं, तेजस में बैठने से लेकर उड़ान भरने तक, उड़ान भरने से लेकर लैंडिंग तक, ये तस्वीरें बहुत खास हैं और ये बताती हैं कि जो देश का प्राइम मिनिस्टर है, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो तेजस में फाइटर जेट में उड़ान भरते हैं तो क्या क्या इस वक्त माहौल रहता है। तस्वीर 1 जिसमें आप देख रहे हैं टेक ऑफ करते हुए फाइटर विमान को, तेजस को,
तस्वीर दो फाइटर प्लेन के अंदर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक फाइटर पायलट की तरह दिखाई दे रहे हैं। तीन तस्वीर लगातार आठ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी जब ये लैंडिंग हो गई फाइटर प्लेन की, फाइटर विमान की, उसके बाद हाथ हिलाकर अभिवादन किया। जब पूरी तरह से पैक हो गया प्लेन और टेक ऑफ के लिए रेडी हो गया, उस वक्त थम्स अप का साइन भी प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया। और ये तेजस विमान पीछे आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर देख रहे हैं। पूरी यूनिफॉर्म में सुमित जब दिखाई दिए प्रधानमंत्री, तो ऐसा लग रहा था कि फाइटर प्लेन के पायलट ही हैं। देखिए बिल्कुल, इसको जी सूट कहा जाता है निधिन, जी सूट यानी पायलट का वो यूनिफॉर्म या फिर वो आप वर्ड्रोप कह सकते हैं इसको, कि जब पायलट जाता है तो इंजन सूट का बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ऐसे एरियाज के अंदर आप जब एयरक्राफ्ट में बैठे होते हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर होता है। और अभी इंपॉर्टेंट ये है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें उड़ान भरी तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी आप इसको कह सकते हैं निधि। वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इसलिए क्योंकि आप 30 से 35 साल तक जद्दोजहद के बाद, मशक्कत के बाद आपने एक फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया जिसको अपनी एयरफोर्स में शामिल किया, और उसके बाद उस फाइटर एयरक्राफ्ट को दुनिया लेना चाहती है, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ये होता है कि दुनिया को दिखाए देखिए कितना सुरक्षित है, कितना कैपेबल है, और ये भारत द्वारा निर्मित पूरी तरीके से इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है। और ये इसलिए किया जा रहा है निधि क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की उड़ान भरने के बाद दुनिया को एक मैसेज जाएगा कि देखिए ये भारत द्वारा निर्मित एक वो हथियार है, एक वो फाइटर एयरक्राफ्ट है जो पूरी तरीके से सुरक्षित है। और इंडियन एयरफोर्स के साथ निधि इंडियन नेवी भी इसका इस्तेमाल करेगी, इसका नेवल वर्जन भी तैयार किया जा रहा है। और 2026 तक इसको कहा जा रहा है कि इसका जो मार्क टू वर्जन है जो और ज्यादा बेहतर होगा, और ज्यादा इंडिजीनियस होगा, उसको भी लॉन्च किया जाएगा। तो ये एक तरीके का मान के चलिए कि ये भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी खबर है या फिर बहुत बड़ी तस्वीर है जी, जिसको आने वाले वक्त में लंबे समय तक इसको देखा जाएगा, इसको याद किया जाएगा। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तेजस दुनिया भर के अंदर अपने अपने कर्तव्य दिखाया, कई बड़ी एक्सरसाइजेज में शामिल हुआ, तो अब जब तेजस दुनिया भर के अंदर एक मार्केट के तौर पर, एक हथियार के तौर पर जिसको दुनिया खरीदना चाहती है, तो वो जाएगा, तो उसकी एक बड़ी मिसाल दी जाएगी। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है सुमित, जैसा कि आप बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि जब देश का सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जब प्राइम मिनिस्टर अगर इस तरह की उड़ान भरता है तो पूरी दुनिया में एक मैसेज जाता है। और तेजस में उड़ान भरी प्रधानमंत्री मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी का उसके बाद एक बहुत खूबसूरत बयान भी आया है। तेजस में सफलतापूर्वक उड़ान पूरी हुई, तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है, तेजस में उड़ान का अनुभव अविश्वसनीय रहा, देश की स्वदेशी क्षमताओं में मेरा विश्वास बढ़ा है, राष्ट्रीय क्षमता ने गर्व आशावाद की भावना भी पैदा की है, हम आत्मनिर्भरता में दुनिया में किसी से कम नहीं है। वायुसेना, DRDO और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को शुभकामनाएं। एक बार फिर से वो वीडियो आपको दिखाते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयारियों से लेकर आगे बढ़ते हुए तेजस में उड़ान भरी। तो देखिए ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जब तेजस विमान में, फाइटर विमान में चढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और टेक ऑफ के लिए सुमित तब तैयार हैं। ये वीडियो अगर आप थोड़ा और एलाबोरेट करें। देखिए बिल्कुल, एक बहुत टेक्निकल, आपको बहुत छोटी चीज होगी लेकिन मैं आपको समझाऊं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, क्योंकि मैं इतना टेक्निकली साउंड नहीं हूं लेकिन ये जरूर है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब आम आदमी पे होता है वो 1 पॉइंट में गिना जाता है, उसका रेशो 1 होता है, लेकिन और मैक्सिमम प्रेशर जो एक आम इंसान ले सकता है वो मैक्सिमम 5 पर होता है, लेकिन जब कोई पायलट हवा में इस फाइटर एयरक्राफ्ट में होता है तो वो 7-9 तक जाता है। तो आप मानिए कितना प्रेशर होता होगा, एयर प्रेशर जब एक पायलट उड़ान भर रहा होता है, और इसीलिए उसके फिटनेस लेवल से लेकर उसके मेंटल लेवल तक सभी चीज़ों को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाता है निधि। और एक पायलट की उड़ान भरने से पहले, चाहे वो पायलट हो या को पायलट हो, उसके सारे मेडिकल किए जाते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन लिया जाता है, फॉर्म 700 उसको कहा जाता है, इसके अलावा उनको एक ब्रीफ दिया जाता है कि आप कहाँ पर उड़ान भरेंगे, किस हाइट पर उड़ान भरेंगे, वहाँ पर एयर प्रेशर कैसा होगा, आपकी सॉटी कितनी बड़ी होगी, सॉटी कहाँ से जाएगी, क्या रूट होगा, आप लैंड कब करेंगे, और ये सारी चीजें मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड इनको मॉनिटर किया जाता है। और अगर आप देख रहे हो इन तस्वीरों में, ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के साथ पायलट उनके साथ मौजूद रहे, बल्कि एक और फाइटर एयरक्राफ्ट उनके साथ उड़ान भर रहा था। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, आप इसको कह सकते हैं कि एक तरीके का आपका समन्वय होता है, एक तरीके का कोऑर्डिनेशन होता है कि किस तरीके से उड़ान भरी जाती है जब आप आसमान में होते हैं, और इस किस प्रेशर को मिला जाता है। जब विमान आसमान में होता है उन फ्यू सेकेंड्स में क्या हलचल हो रही होती है, क्या बातचीत हो सकती है पायलट से, को पायलट, पायलट बातचीत करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बातचीत होती है, दोनों के अपने कम्युनिकेशन डिवाइसेज होते हैं जिन पर बात की जाती है, और निधि
सेकंड में नहीं, माइक्रो सेकंड के अंदर डिसीजन लेने होते हैं। माइक्रो सेकंड यानी आपके पास पलक झपकने का भी वक्त नहीं होता, आपको तुरंत अपनी कमांड पे हर चीज को स्ट्रेटेजिकली मूव करना होता है। जो तैयारियां की गई है सॉटी की, उन्हीं के बेसिस पे चलना होता है। सारा जो आप देख सकते हैं, जो मैपिंग होती है, फिर ग्राफिक्स होता है, उन्हीं के बलबूते आपके डिसीजन होते हैं कि आपकी हाइट तो नहीं लूज हो रही, आप लगातार किस जगह पर जा रहे हैं, जो एयरक्राफ्ट है वो किस तरीके से अपने आप को रिस्पॉन्ड कर रहा है, आप लगातार अपने ATC से बात कर रहे हो, कमांड कंट्रोल सेंटर से बात कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें एक पायलट के दिमाग में चल रही होती है, उसके सिर्फ फिंगर्स चल रहे होते हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ, बहुत कम जगह होती है फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर, तो सिर्फ उसके फिंगर्स चल रही होती है, इतना होता है कि आपके आर्म्स को मूव करने की आपके पास जगह होती है। और यही कुछ समन्वय, यही कुछ चैलेंज होते हैं जो एक पायलट को झेलने पड़ते हैं, या फिर एक पायलट उनसे रूबरू होता है जब ये फाइटर एयरक्राफ्ट चला रहा होता है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने उस कॉकपिट में बैठ के उन सभी अनुभवों को साझा किया। लाखों करोड़ों लोगों में बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये सारी अनुभव महसूस होते हैं निधि, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री उस समय कॉकपिट में बैठे हैं, लगातार उसमें अपने उन सभी चीजों को देख पा रहे हैं और पायलट से बात कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके के ऑपरेशंस को वो चला रहे हैं। बिल्कुल, और कहते हैं ना मिलियन डॉलर एक्सप्रेशंस, वो एक्सप्रेशंस हम देख सकते हैं। और मुझे याद नहीं सुमित की किसी और पूर्व प्रधानमंत्री के जरिए इस तरह फाइटर विमान में सफर किया हो। बहरहाल ये एक तरह से एक मोरल बूस्टिंग का काम भी करेगा वायुसेना के लिए और हमारे सेना के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिस तरह से हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मेरा एक और सवाल है सुमित, जैसे जो को पायलट होता है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी बैठे थे तो क्या वो स्क्रीन पर सब कुछ रूट वगैरह सब देख पा रहे थे? देखिए बिल्कुल, दोनों की आपस में बातचीत होती है, लगातार ये बताया जा रहा है कि प्रेशर ठीक है, आप पीछे से देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि को पायलट कुछ नहीं करता, ग्राफिक्स हो आपकी दूसरी चीज हो, लगातार पीछे बैठ रहा पायलट भी आपको बताता रहता है। और आर्म्स एंड एम्यूनेशन की बात जब हम करते हैं, जब इसमें वेपन्स लग जाते हैं, पेलोड लग जाता है, तो उसके अंदर भी दोनों का क्लोज कोऑर्डिनेशन होता है हर जगह के ऊपर। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि निधि आप मानिए कि दोनों एक तरीके से उस जगह मौजूद हैं जहां दोनों को माइक्रो सेकंड में एक ही डिसीजन पर पहुंचना है, डिसीजन लेना है, अपने ऑपरेशन को पूरा करना है, सॉटी को पूरा करते हुए अपने मिशन को पूरा करने के बाद आपको वापस लौटना है। और ये सारे अनुभव मैं आपको बता रहा हूं कि आज प्रधानमंत्री मोदी को दिए गए होंगे, उनको बताया गया होगा, उनको ब्रीफिंग में बताया गया होगा, उनको ये भी बताया गया। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के साथ साथ ये एक नेशनल बिल्डिंग की भी बात है, क्योंकि अब इंडिया जो है वो बाइंग नेशन से, मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूं कि बाइंग नेशन से बिल्डिंग नेशन, यानी अब दुनिया भर के तमाम देशों को, डेवलपिंग नेशंस को भारत के आर्म्स एंड एम्यूनेशंस मिलेंगे, वो अपनी रक्षा कर सकेंगे। तो एक तरीके का एक लीडिंग आप पोस्चर हम लीड कर रहे हैं और भारत आगे लगातार बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर की तरफ आगे बढ़ रहा है भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित आपका, बहुत आपने आसानी से एक्सप्लेन किया, दर्शकों को समझ में आया होगा कि किस तरह से जब उड़ान भरी जाती है एक फाइटर जेट में, एक फाइटर विमान में, तो क्या किस तरह का माहौल होता है।